इसका जो टारगेट पॉपुलेशन है उसमें अभी हम लोग मात्र 25% लोगों को वैक्सीनेट कर पाए हैं, यानी 45 जो वैक्सीनेट यानी कि पहला डोज वैक्सीनेट कर पाए हैं। दूसरा डोज में अभी चूंकि अभी शुरू हुआ है तो इसीलिए अब सेकेंड डोज पे हमारी प्राथमिकता रहेगी। सेकेंड डोज का जो जो कैंप मोड में पहला डोज जिन्होंने लगाया है उन लोगों को 5 मई से यानी 5 मई से सेकेंड डोज का वैक्सीन का जो कैंप है वो लगना शुरू होगा। आपके माध्यम से मैं सभी से अपील करता हूं कि जिन्होंने पहला डोज लिया है कोवैक्सीन का वो माइक्रो प्लान जो रिलीज किया जाएगा उसके आधार पर अपने निकटतम वैक्सीनेशन केंद्र पर जाकर के अपना सेकेंड डोज भी लगाएंगे। जो फुल प्रोटेक्शन होता है वैक्सीन के द्वारा वो सेकेंड डोज के लगाने के 10 से 15 दिन के बाद ही आता है, और इसीलिए ये एडिशनल प्रोटेक्शन जो है वो आपके लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत ही जरूरी है। इनफैक्ट जो मैं बात कर रहा था हमारे वैक्सीनेशन के अचीवमेंट की, उसमें हमारे जो कुल पंचायत हैं उसमें से 42 ऐसे पंचायत हैं जिसमें से 300 से कम वैक्सीनेशंस किए गए हैं कैंप मोड में। करीबन 90 ऐसे पंचायत हैं जहां पर 300 से 600 वैक्सीनेशंस किए गए हैं कैंप मोड में, और मात्र 21 ऐसे पंचायत हैं जहां पर 600 से अधिक वैक्सीनेशन किए गए हैं कैंप मोड में। हमें ये आवश्यक है कि हमारे सभी पंचायत, चतरा में काफी कम मेडिकल ऑफिसर्स हैं, इसको लेकर के डीएमएफटी के माध्यम से वॉक इन इंटरव्यूज कंडक्ट किए गए हैं जिसमें 4 दिनों में 4 दिन इंटरव्यू उसके रखे गए थे जिसमें 3 दिन पूर्ण हो चुके हैं, और उसमें भी हमें काफी अच्छी सफलता मिली है, और उसमें भी करीबन 4 मेडिकल ऑफिसर्स के अलावा लैब टेक्नीशियंस, 8 लैब टेक्नीशियंस, कुछ स्टाफ नर्सेस हमें मिले हैं जिनको जो जल्द से जल्द ज्वाइन करेंगे और हमारे जो साथ सुविधा हम लोग उपलब्ध करा पा रहे हैं उसको थोड़ा बेटर करेंगे। साथ ही साथ ये भी रहेगा कि चूंकि लैब टेक्नीशियंस की संख्या बढ़ने से हमारे जो ट्रूनेट का जो टेस्ट है उसको भी हम लोग जो अभी एक शिफ्ट में किया जा रहा है लैब टेक्नीशियंस की कमी के कारण उसको हम लोग 2 शिफ्ट में कर पाएंगे। वैक्सीनेशन एक बहुत ही अहम मुद्दा है और इसके लिए मैं आप लोगों के माध्यम से बहुत बहुत ही गंभीर और बहुत ही अहम मुद्दा है और एक बहुत ही मेजर कारण आप लोगों से बात करने का है कि वैक्सीनेशन को लेकर के चतरा में जो हमारी उम्मीदें थी और जो हमारा विश्वास था वो थोड़ा सा कम हुआ है। शुरुआती दौर में हम लोगों ने काफी और चतरा की जनता ने काफी अच्छा इसमें भाग लिया था और हम लोग 5,000 से 6,000 प्रतिदिन वैक्सीनेशन कर पा रहे थे कैंप मोड में, लेकिन विगत 7 से 10 दिनों के बीच में ये वैक्सीनेशन का दर जो है वो घटकर काफी कम हो गया है। अभी भी हमारे पास वैक्सीन के स्टॉक की अगर बात करें तो 17,680 डोजेस हमारे पास अभी उपलब्ध हैं, जिसमें कोविशील्ड 11,000 हैं और कोवैक्सीन 6,600 डोजेस हमारे पास उपलब्ध हैं। अभी तक जो पंचायत में हमने कैंप मोड में और नगर क्षेत्र में कैंप मोड में वैक्सीन का दौर किया है उसमें 66,000 वैक्सीनेशन हुए हैं और टोटल जो डोजेस हमारे जिले में दिए गए हैं फर्स्ट और सेकेंड डोजेस को मिला करके वो करीबन को बॉडी एक होता है। ये एक छोटा सा एक फैक्टर रहता है जिसके कारण लोगों के मन में थोड़ी सी शंका रहती है, लेकिन ये पूर्णतः नॉर्मल चीज है, और जो आज हम लोग इस विकट परिस्थिति में है जहां पर डॉक्टर्स और ऑक्सीजन के कारण इतनी दिक्कतें आ रही है तो उससे बचने का एकमात्र तरीका वैक्सीनेशन ही है। और जो अन्य देशों में भी जहां पर वैक्सीनेशन अच्छा हुआ है वहां पर इसका फल भी देखने को मिल रहा है कि लोग लॉकडाउन से बच पा रहे हैं। जो गंभीर बीमारी होती है कोविड के कारण जो SpO2 गिरने की या क्रिटिकल होने की जो संभावना रहती है वो वैक्सीनेशन से कम होती है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीनेशन के बाद कोविड नहीं होता है, हमारे हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स में भी कोविड फिर से होने की बातें बिल्कुल सामने आई, ये बिल्कुल सच है, लेकिन कोविड उनमें क्रिटिकल होने की संभावना जो है वो बहुत कम रहती है, तो इसीलिए एक बेसिक बुखार होकर के ये पार हो जाता है और लोग अपना काम जारी रख सकते हैं। लेकिन अगर ये वही आदमी अगर वैक्सीनेशन नहीं लेता है तो कोविड के संक्रमण के कारण जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, सांस फूलने की बीमारी होती है या ICU में भर्ती करने की नौबत आती है, उसकी संभावना
बहुत ज्यादा रहती है। तो इस विकट परिस्थिति से निकलने का और ये चतरावासियों को आगे की किसी भी परिस्थिति से बचे रहने का या यहाँ पर लॉकडाउन की परिस्थिति ना बनने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हमारा वैक्सीनेशन के प्रति हमारे लोगों का की जागरूकता बने और जिस प्रकार से सभी लोग अपने बच्चों को जब नवजात शिशु होते हैं उनको वैक्सीनेशन के लिए भेजते हैं ठीक उसी तरह हमें ये कोशिश करनी है कि जो भी लोग एलिजिबल हैं अभी 45+ में वो वैक्सीनेशन ले सके। इसके अलावा आप लोगों के प्रश्न से पहले मैं एक बार फिर से सभी लोगों से अपील करूंगा कि ये कोविड का जो दौर है चतरा में उसमें काफी सजग रहें। आप लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और काफी संयम के साथ लॉकडाउन और ये जो गाइडलाइंस इशू किए गए हैं उसका अनुपालन किया है। कई जगहों पे इसका वायलेशन भी हुआ है जिस पर कई FIR कई दुकानें सील भी हुई हैं और हमारा मकसद दुकानों को सील करके हरासमेंट का नहीं है बट ये आवश्यक है कि आप लोग सभी लोग हमारे समाज के जितने लोग हैं वो सभी ये समझे इस बात की गंभीरता को भी समझे। कुछ बेसिक जानकारी भी आपके माध्यम से उपलब्ध कराना चाहूंगा कि अभी कई जगहों पे ये बहुत नितांत आवश्यक है कि स्वास्थ्य में कोई भी फेरबदल होने के कारण यदि कोई इमरजेंसी व्यवस्था की आवश्यकता होती है तो उसमें कंट्रोल रूम का नंबर जारी है। कंट्रोल रूम के माध्यम से त्वरित एम्बुलेंस की भी उपलब्धता सुनिश्चित की जाती है और यदि कोई अन्य इश्यूज रहते हैं उसको भी रिजॉल्व किया जाता है। तो यदि किसी भी व्यक्ति को जो होम आइसोलेशन में है या फिर अनडायग्नोज भी है उन्हें कोई भी सिम्टम अपने दिखते हैं या फिर सांस लेने में तकलीफ होती है तो उसको जल्द से जल्द अपने निकटतम CHC में फ्लैग करें या कंट्रोल रूम में संपर्क करें और उसको हम लोग निदान करेंगे। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा कि ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स को लेकर के कोई कमी नहीं है। जहां पर भी लोगों को आवश्यकता होगी हम CHC लेवल पर भी एक ऑक्सीजन रूम की व्यवस्था करने जा रहे हैं जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर और जो हमारे पास नए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स आएंगे उनको पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराया जाए ताकि ऐसे कोई भी सिम्टम दिखाने वाले व्यक्ति को प्राथमिक उपचार वहां पे दिया जा सके और गंभीर उपचार के लिए हम लोग सदर अस्पताल स्थित DCHC को सक्रिय किए हुए हैं जहां पर पूरे समय डॉक्टर्स और हमारे मेडिकल स्टाफ जो है काफी क्रिटिकल केसेस को हैंडल करने के लिए लगे हुए हैं। तो मेरी तरफ से सिर्फ यही था। अब यदि किसी को प्रश्न पूछने हैं तो या तो व्हाट्सएप कर दें या एक एक करके अमित आप हैंडल कर सकते हैं जो जिनको भी प्रश्न पूछना है एक एक करके करें ताकि बहुत ओवरलैप ना हो। जी।